हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के इच्छुक हैं राजस्थान में, और अभी आप देख रहे हैं कि कॉलेज व्याख्याता का जो फॉर्म आया है, इसका लास्ट डेट आपका 8 दिसंबर रखा गया, निर्धारित किया गया है। तो यदि आप इच्छुक हैं और तैयारी करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, संपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। और एक बेस्ट रणनीति आप क्या बना सकते हैं आरपीएससी कॉलेज व्याख्याता यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, सारा विश्लेषण आपको यहाँ पर दे दिया जाएगा। इसमें देखिए किन किन बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो परीक्षा का पैटर्न क्या है, और इसमें योग्यता जो होती है वो आपका नेट या सेट पास है। और पिछले वर्ष के कट ऑफ की भी बात करेंगे कि जो पिछले साल मेरिट रही थी वो कितना मेरिट गई थी, और जो सिलेबस है जिसमें सिलेबस में आपका ज्योग्राफी और राजस्थान का जो जनरल नॉलेज है जीके है, उसके पाठ्यक्रम को भी यहाँ पे हम लोग डिटेल में देखेंगे। साथ ही साथ उस पाठ्यक्रम पे आधारित आपको किताबें भी बताई जाएंगी जहाँ से ज़्यादातर प्रश्न आपके आएंगे और पिछली परीक्षाओं में पूछे गए थे। बेस्ट बुक यहाँ पे होगी। और परीक्षा पास करने की क्या रणनीति होनी चाहिए, न केवल आरपीएससी के लिए बल्कि अभी आपका उत्तर प्रदेश में हायर एजुकेशन कमीशन से भी वैकेंसी आने वाली है। फिलहाल उसमें कुछ सिलेबस में चेंजेज करने की बात की जा रही है कि सिलेबस अपडेट करेंगे, तो अब देखिए वो वैकेंसी कब तक आती है। अभी संभावित था कि सिलेबस यदि अपडेट नहीं करते तो दिसंबर में आ जानी थी, अब सिलेबस अपडेट करेंगे तो मान के चलिए कि आपका न्यू ईयर में जनवरी फरवरी तक पॉसिबल है कि वहाँ तक ये आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए आरपीएससी कॉलेज व्याख्याता यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है, यहाँ पे यदि आपका सब्जेक्ट भूगोल है तो आपके लिए इस चैनल पे काफ़ी चीज़ें प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। साथ ही साथ यहाँ पे आप नेट और आपका जो आरपीएससी का सिलेबस है, दोनों सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, तो उसके लिए भी यहाँ पे बैचेज अवेलेबल हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं नेट के लिए, पीजीटी के लिए, और असिस्टेंट प्रोफेसर के पर्पज़ से भी यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज़ भी आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। सबसे पहला जो मुद्दा हमारा है परीक्षा पैटर्न का, कि परीक्षा पैटर्न कैसा है, तो इसमें निगेटिव मार्किंग होती है 1/3। एक क्वेश्चन पे आपको जो मार्क्स मिलेगा 0.5 मार्क्स मिलेगा। तीन पेपर इसमें होते हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है जो 24 नंबर का होता है, यानी 24 मार्क्स का इंटरव्यू ओनली होता है। पेपर 1 ये आपका विषय से संबंधित आपके रहेगा, मान लीजिए आपका भूगोल विषय है तो पेपर 1, पेपर 2 आपके भूगोल विषय से रहेगा, इतिहास है तो इतिहास से रहेगा, जो भी आपका सब्जेक्ट है उससे रहेगा। तीसरा जो पेपर है ये राजस्थान से संबंधित रहेगा, राजस्थान की इतिहास, कला एवं संस्कृति, भूगोल, अर्थव्यवस्था, वहाँ के मेले, यानी कि पूरा जो राजस्थान का सामान्य ज्ञान है वह आपका पेपर 3 में रहेगा। पेपर 1 में कुल जो प्रश्न रहेंगे 150 रहेंगे, इसमें टोटल जो मार्क्स रहेगा वो आपका 75 मार्क्स का रहेगा। समय आपको यहाँ पे मिलेगा 3 घंटे। पेपर 2 आपका 150 प्रश्न रहेंगे, 75 नंबर का है, 3 घंटा, यहाँ पे भी निगेटिव मार्किंग रहेगी ही, ठीक। और ये पेपर आप देखेंगे कि जुलाई में कराया गया था, और ये वाला पेपर आपका अप्रैल में था, 3rd पेपर 2014 की जो वैकेंसी आई थी, एग्जाम 2016 में हुआ था। तो इसमें जो कुल प्रश्न है पेपर 3 में 100 प्रश्न आते हैं, अंक आपका 50 नंबर का होता है, समय इसमें 2 घंटे रहते हैं, ठीक। ये विषय से संबंधित हो गया, ये किससे पेपर 3 आपका राजस्थान का सामान्य ज्ञान से संबंधित है। क्लियर हुआ इतना, पैटर्न आपने समझ लिया। अब कई लोगों के प्रश्न रहते हैं क्या एक ही दिन ये टोटल पेपर हो जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं है, ये पेपर आपका 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन या 2-4 महीने आगे पीछे होते हैं, और ये आपका लगभग एक ही दिन हो जाता है, या 2 दिन भी कर सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं टोटल जो प्रश्न हुआ हमारे पास कितने हुए, 150 इसके, 150 इसके 300 हुआ, 100 इसके 400 हुआ, राइट। तो ये आपका कितना हो गया टोटल, 400 का हो गया। तो टोटल ये 400 मार्क्स का हुआ,
और सॉरी 400 क्वेश्चन हुए, मार्क्स आपका 200 हुआ, प्लस 24 इंटरव्यू का, टोटल 224 मार्क्स होते हैं। ठीक, अब कट ऑफ की बात कर लें कि कट ऑफ पिछले साल कितनी गई थी, क्योंकि जब आप किसी परीक्षा की तैयारी करिए तो सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि क्या पैटर्न है परीक्षा का। जब आपको परीक्षा का पैटर्न समझ में आ जाए तो आप जाते हैं कट ऑफ के पीछे कि पिछले साल यदि पेपर हुआ था तो उसका कट ऑफ ऑलमोस्ट कितना था, तो इससे एक अंदाज़ा लग जाएगा कि आपको किस स्तर तक मेहनत करनी पड़ेगी। तीसरी बात यहाँ पे होती है कि जो सिलेबस है उसका, सिलेबस आपने देख लिया, पैटर्न देखा, सिलेबस देखा और कट ऑफ देखा। ठीक, तीन चीज़ें क्लियर हुई। अब उस सिलेबस पे बेस्ट बुक कौन सी है, जो मानक बुक का, बेस्ट बुक का मतलब जो स्टैंडर्ड बुक होती है, मानक बुक होती है, जिसको कि आप यदि वहाँ से प्रश्न आपको पूछा जाए और आयोग कोई और आंसर लगाता है तो आप उसको साक्ष्य के तौर पे दें, जिससे आयोग उसको वरीयता दिए यानी उसको साक्ष्य के तौर पे माने, यही मानक बुकें होती हैं। या तो कोई फेमस राइटर हो, असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर हो, या फिर वो किसी अच्छी पब्लिकेशन की किताब हो, या फिर वो किसी माध्यमिक शिक्षा परिषद या NCERT हो गई, या किसी भी बोर्ड की किताबें हों, CBSE हो गया, UP बोर्ड हो गया, राजस्थान बोर्ड हो गया, तो बोर्ड की जो किताबें हैं उसको भी साक्ष्य के तौर पे वो मान्यता प्रदान करता है। ठीक, इतना होने के बाद आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर आपको ले लेना उस पेपर का, यानी उस एग्ज़ाम का। उसके बाद उससे आप जो प्रश्न का स्तर है, जो पैटर्न है, किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं, ये भी आप वहाँ से समझ सकते हैं। उसके बाद आप अपनी तैयारी के लिए फिर आप आ जाते हैं सिलेबस पे। सिलेबस पे आने के बाद आप टॉपिक टू टॉपिक पढ़िए और उस टॉपिक से रिलेटेड जो आपको प्रश्न दिया गया हो पेपर में, उसको कोशिश करिए सॉल्व करने की। यदि आप उस टॉपिक को पढ़ के उन प्रश्नों को सॉल्व कर ले रहे हैं तो ये मान के चलिए कि आपकी थ्योरी और आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, जिससे आपके आगामी जो परीक्षा होगी उसमें अच्छी स्कोर आप कर सकते हैं। तो जो कट ऑफ मार्क्स 2014 का था, ये जनरल 140.53 था, ये केवल रिटेन के लिए था, साक्षात्कार का इसमें नहीं जुड़ा है। SC का 125, ST का 129। अब यहाँ पे देखिए SC का कम जा रहा है, ST का ज़्यादा, क्योंकि राजस्थान में ST की पॉपुलेशन थोड़ा SC के हिसाब से ज़्यादा है। OBC का 137 है, यानी कि मान चलिए 138। तो अब बात आती है जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं वो यहाँ पे जनरल में ट्रीट होते हैं। ठीक, और पेपर थर्ड की बात कर लें, उसके बाद पेपर वन और पेपर टू का सिलेबस हम आपको दिखाते हैं। पेपर थर्ड में जो सामान्य ज्ञान है राजस्थान का, तो इसमें कुल आपके 100 प्रश्न आते हैं, 50 अंक के आएंगे। ठीक, तो सबसे पहले तो आपको कोई एक गाइड आप पढ़ लीजिए। गाइड के तौर पे आपको दो बुक हैं, एक पनोरमा या लक्ष्य आप ले लीजिए, इसके दो पार्ट आते हैं राजस्थान सामान्य ज्ञान करके, नई वाली लीजिएगा। और दूसरा यहाँ पे दिशा राजस्थान, जो राजस्थान का प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्व देता है, यानी कि जो राजस्थान के जितने प्रीवियस ईयर पेपर हैं उसका सॉल्व यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यानी जैसे आपका असिस्टेंट प्रोफेसर में आ गया GK का, ठीक, वहाँ के पटवारी उटवारी के जो एग्ज़ाम हो गए, BDO या सचिव लेवल के एग्ज़ाम हो गए, वहाँ का PCS का जो एग्ज़ाम हो गया, वहाँ पे जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपको यहीं से मिल जाएगा। ठीक, प्रीवियस ईयर आपने ले लिया, आप देखेंगे प्रीवियस ईयर से ही लगभग 20 से 25 प्रश्न यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, यदि आप डिटेल्ड सॉल्व इसका देख लेते हैं तो। उसके बाद हम लोग इसमें आते हैं सिलेबस में, राजस्थान का करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स आपका लगभग 30 से 35 प्रश्न आते हैं, और ये करंट का मतलब प्योर करंट नहीं देता है, करंट में आपका ज्योग्राफी का भी करंट हो जाता है, हिस्ट्री में भी कुछ नई जो करंट अफेयर्स साइड होते हैं उसका, इकोनॉमिक्स का हो जाता है, और वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज या एडमिनिस्ट्रेशन का हो जाता है। ठीक, और जो नए विरासत वगैरह हैं, और उसके बाद इसमें करंट में राजस्थान में आप मासिक पत्रिका ले सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी करके एक आती है उसको देख सकते हैं, कोई भी पत्रिका ले लीजिए जो मंथली आती हो, तो यहाँ से ये बेटर होगा, क्योंकि आगामी जो परीक्षा इसकी होगी वो काफ़ी दिन बाद ही, यानी कि आपका न्यू ईयर में अप्रैल मई तक ही पॉसिबल हो सकती है, उसके बाद ही। और उसके बाद जैसे ही आपका एग्ज़ाम नज़दीक होता है, 15 से 20 दिन एग्ज़ाम होता है, तो
कोई भी करंट अफेयर्स का सार आता है, ठीक, उसका गिस्ट जो आता है उसको आप लीजिए और इसको पढ़िए, क्योंकि यहाँ से आपका जो सार देता है वो सेलेक्टेड चीज़ों को यहाँ पे मटेरियल रखता है। उसके बाद हम लोग राजस्थान की हिस्ट्री और उसका मॉन्यूमेंट्स की बात कर लें, विरासत की बात कर लें, कला संस्कृति की बात कर लें, तो जैन एंड माली की बुक आती है। हालांकि ये काफ़ी मोटी बुक होगी, लेकिन काफ़ी चीज़ें आपका पनोरमा से ही ये क्लियर हो जाएंगी, ठीक। तो पनोरमा या लक्ष्य से ही काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएगी। फिलहाल यदि ये बुक लेते हैं तो आपके जो पेपर है उसमें भी ये फ़ायदा देगा, जिन लोगों का इतिहास रहा है, और इसमें तो आपका राजस्थान वाले में तो ये आएगा आएगा। राजस्थान का भूगोल और अर्थव्यवस्था के लिए आपको क्या करना है कि कोई एक विशेष बुक के तौर पे यदि आप लेना चाहते हैं, क्योंकि आपके ज्योग्राफी में भी राजस्थान भूगोल का सिलेबस दिया गया है, तो राजस्थान भूगोल के सिलेबस को क्लियर करने के लिए आप हरिमोहन सक्सेना जो हिंदी ग्रंथ अकादमी से ये पब्लिश होती है और ये काफ़ी अच्छी बुक है, मानक बुक मानी जाती है, तो राजस्थान का भूगोल आप इनका ले लीजिए, हरिमोहन सक्सेना जी का, ठीक। और जो राजस्थान भूगोल में आप देखिए करंट की चीज़ें आती हैं वो आपका लक्ष्य या पनोरमा से क्लियर हो जाएंगी। अर्थव्यवस्था में यदि हम लोग बात करें तो अर्थव्यवस्था में जो आपका आर्थिक समीक्षा या बजट है ये आप यहाँ से देख सकते हैं, तो राजस्थान का जो बजट या आर्थिक समीक्षा आता है यानी इकोनॉमिक सर्वे आता है तो वो यहाँ से आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर जो राजस्थान आर्थिक समीक्षा है उसका बजट आता है तो यहाँ से आप लोग उसको कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बजट और आर्थिक समीक्षा से जो करंट डेटा होते हैं वो टोटल आपको इसी से मिल जाएंगे, राजस्थान के गवर्नमेंट के द्वारा है, उसकी साइट पे भी आप ये चीज़ें वहाँ से देख पाएंगे। यानी कि आपको क्या करना है, लक्ष्य या पनोरमा की जो आती है किताबें उसको आपको ले लेना, लक्ष्य दो पार्ट में आता है तो इसको आप वहाँ से लेके, जो दूसरा पार्ट होता है एक में इतिहास और उसकी कला संस्कृति के बारे में रहता है, दूसरे वाले में आपका दे देता है भूगोल और अर्थव्यवस्था के बारे में, ठीक। और इसकी राजनीति व्यवस्था के लिए या तो आप एम लक्ष्मीकांत की जो बुक आती है उसमें उसको लीजिए, लेकिन उसमें आपको पूरा बुक नहीं पढ़ना है, केवल सेलेक्टेड चीज़ें पढ़ना है जो आपके सिलेबस में दिया गया, यानी कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली वगैरह होती हैं या स्टेट गवर्नमेंट होती है उसके बारे में पूरी जानकारी आप वहाँ से ले सकते हैं, या फिर आपको पनोरमा या लक्ष्य के बारे में मिल जाएगा। और एक बेसिक चीज़ें, आपको पॉलिटी पे पकड़ होनी चाहिए, बेसिक पकड़ यदि आपका पॉलिटी पे रहेगा तब आप राजस्थान का यहाँ पे राजनीतिक व्यवस्था को काफ़ी अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। और जो आपका यहाँ से करंट की चीज़ें रहेंगी तो आपका ऊपर करंट जो अफेयर्स हमने बोला है इस करंट अफेयर्स में भी आपको ये चीज़ें कंप्लीट रूप से मिल जाएंगी, ठीक। तो ये तो रहा कि आपका थर्ड पेपर में जो 100 प्रश्न आएंगे उसमें अच्छा स्कोर कैसे, कौन सी बेस्ट बुक आप चूज करेंगे। अब हम लोग आ जाते हैं भूगोल पे, ठीक। भूगोल में आपको देखिए नेट का जो सिलेबस है वो ज्योग्राफी आपका आरपीएससी का भी सिलेबस है, तो सबसे पहले आप सिलेबस देख लीजिए उसके बाद हम आपको बुक उस पर बता देते हैं, या पहले बुक ही देख लीजिए, क्योंकि जो आपका नेट का सिलेबस है हमने आपको वहाँ पे भी दिखाया था कि यही चीज़ें वहाँ भी दिया गया, केवल वहाँ पर राजस्थान का भूगोल एक्स्ट्रा है और मेथोडोलॉजी दिया है। तो मेथोडोलॉजी के लिए आपको क्या करनी है कि जो आपका नेट का बुक आती है इन नेट के बुक से ही आप उसको पढ़ सकते हैं, या रिसर्च मेथोडोलॉजी की कोई बुक ले लीजिए, मार्केट में कोई भी बुक आप ले लेंगे उससे आपको सिलेबस मिल जाएगा। जियोमॉर्फोलॉजी आपको सबीन सिंह की पढ़नी है यदि आप आरपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं अच्छे तरीके से, और क्लाइमेटोलॉजी या ओशनोग्राफी। और ये चीज़ें क्या है कि आपका जो आरपीएससी का है सिलेबस नेट के लिए भी रहेगा, ठीक। तो यहाँ पर जियोमॉर्फोलॉजी सबिन सर का हो गया, जलवायु विज्ञान और समुद्र विज्ञान डीएस लाल का ले लीजिए या सबिन सर का ले लीजिए, कोई एक ले लीजिए, दोनों अच्छी किताबें हैं और दोनों मानक किताबें हैं। पर्यावरण भूगोल सबिन सर का ले लीजिए, इराक भरूच का ले लीजिए, दृष्टि पब्लिकेशन भी आता है, और यहाँ पे एक और पर्यावरण आएगा, पर्यावरण पारिस्थितिकी करके परीक्षा वाणी का आता है। परीक्षा वाणी भी ये भी आपका सही है क्योंकि यहाँ पे सब चीज़ें कंबाइंड दिया है और इसमें प्रैक्टिस के लिए प्रश्न भी दिया है, दृष्टि में भी दिया है, लेकिन ये ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल, तो जिसमें जनसंख्या भूगोल आप आरसी चांदना के ले सकते हैं, अधिवास भूगोल आरसी तिवारी सर का ले लीजिए या आप सुरेश बंसल का भी ले सकते हैं। आर्थिक गतिविधि और क्षेत्रीय विकास का भूगोल, तो आर्थिक गतिविधि और क्षेत्रीय विकास में आप देखेंगे कि आर्थिक भूगोल है इसमें, और
इसमें आपका एक दुबे जी का आता है रीजनल प्लानिंग का, और आर्थिक गतिविधि में यानी कि आर्थिक भूगोल आप कह सकते हैं इसको, इसमें आप एसडी मौर्य सर का ले लीजिए। एक आता है इसमें परिवहन और इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी, तो परिवहन और इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी के लिए आप एसडी मौर्य की बुक आती है, बहुत ज़्यादा बुकें इस पर अवेलेबल है नहीं। सांस्कृतिक भूगोल, सामाजिक और राजनीतिक भूगोल, सांस्कृतिक सामाजिक आप एसडी मौर्य का ले लीजिए, राजनीतिक भूगोल आपको आरडी दीक्षित का ले लीजिए। भौगोलिक चिंतन की बात करें तो माजिद हुसैन एसडी मौर्य बीसी जाट कोई एक ले लीजिए। सुदीप्ता अधिकारी की भी आती है, आरडी दीक्षित की भी आती है, तो जिसमें आपका एसडी मौर्य का जो भाषा है वो आसान भाषा है। भौगोलिक तकनीकी यानी उसमें भी आपका प्रैक्टिकल वाला पोर्शन दिया है आंकड़ा विश्लेषण करके, तो इसमें आपका शर्मा की ले लीजिए या आरसी तिवारी की ले लीजिए या सुधाकर त्रिपाठी आते हैं। भारत का भूगोल आप आरसी तिवारी माजिद हुसैन कोई एक ले लीजिए। ठीक, अब हम आपको सिलेबस दिखा देते हैं आरपीएससी ज्योग्राफी का, और इसमें देखिए सिलेबस आपका जो फर्स्ट पेपर का है जिसमें जियोमॉर्फोलॉजी आपको पढ़नी है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी एंड लैंडफॉर्म, इंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, डिन्यूटेशन प्रोसेस, वेथरिंग एंड इरोजन, जियोसिंक्लाइंस, माउंटेन बिल्डिंग, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट एंड प्लेट टेक्टोनिक यानी कि महाद्वीपीय विस्थापन और प्लेट विवर्तन की, कॉन्सेप्ट ऑफ जियोमॉर्फिक साइकिल अपरदन चक्र की संकल्पना, लैंडफॉर्म एसोसिएटेड विद फ्लूवियल ग्लेशियल एरिड कोस्टल एंड कार्स्ट साइकिल यानी कि जो अपरदन निर्मित जो लैंडफॉर्म है उसको भी आपको यहाँ पे देखना है। तो यदि आप इसको देखें तो नेट का फर्स्ट यूनिट हो गया जिसमें हमने बुक बताया सबीन सर का, क्लाइमेटोलॉजी भी आप देखेंगे सबीन सर की बुक से, ओशिनोग्राफी भी मिल जाएगी, इन्वायरमेंट ज्योग्राफी भी सबीन सर की बुक आती है, हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफिकल थाट ये आप माजिद हुसैन या एस डी मौर्य का लीजिए, इकोनॉमिक ज्योग्राफी आप एस डी मौर्य का लीजिए। ठीक, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया आर सी तिवारी या माजिद हुसैन, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान तो इसका हमने बताया आपको कि हिंदी ग्रंथ अकादमी से पब्लिश है उसको ले लीजिए, रिसर्च मेथोडोलॉजी की कोई बुक ले लीजिए या आप नेट का फर्स्ट पेपर की बुक आपके पास हो तो वहाँ से आप इसको मिला के पढ़ सकते हैं। कार्टोग्राफी अब देखिए इसमें जो GIS GPS इतना ज़्यादा डिटेल आपको चीज़ें बुक में नहीं मिलेंगी, GIS रिमोट सेंसिंग के लिए चौनियाल सर की आती है, हिंदी मीडियम में एक ही बुक है, वही और भी किताबें हैं लेकिन फ़िलहाल जो इजीली अवेलेबल है। और टाइप्स ऑफ टेक्निक ऑफ स्टडी, स्पेशियल पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, सिंगल पर्पज ऑफ कंपोजिट मैप, स्कोरोप्लेट, तो इसको आप कर सकते हैं आसानी से कर पाएंगे कि कोई भी किताब ले लीजिए, NCERT वगैरह में भी ये चीज़ें मिल जाती हैं, बस जो यही है यही आपका थोड़ा सा टफ है यहाँ पे पोर्शन। ठीक, तो नेट वाले चैप्टर में आपका ये है, तो टोटल जो चैप्टर है सब नेट का है, केवल दो हटा दिया जाए तो यानी कि यदि आप नेट की जो सिलेबस दिया गया है नेट का कोर्स ज्वाइन करते हैं तो RPSC का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का कोर्स है अपने आप साथ साथ कंप्लीट हो जाएगा। इतना हुआ, ये तो हो गया पेपर वन का, पेपर टू का हम दिखा देते हैं। पेपर टू में देखिए पॉपुलेशन ज्योग्राफी सबसे पहले है, तो जिसमें हमने आपको बताया कि आरसी चांदना का ले लीजिए। सेटलमेंट ज्योग्राफी की बात की तो सेटलमेंट ज्योग्राफी में आपने आरसी तिवारी का देखा या आप अधिवास भूगोल ले सकते हैं एसडी मौर्य का। रीजनल प्लानिंग में तो रीजनल प्लानिंग में जो रीजनल कॉन्सेप्ट इन ज्योग्राफी है, रीजनल प्लानिंग आप काशीनाथ दुबे का या आप ले सकते हैं इनका एक वसुंधरा पब्लिकेशन में आती है। ठीक, दुबे वो भी हैं, दुबे जी का ले सकते हैं या रीजनल प्लानिंग का आरसी तिवारी सर की भी बुक आती है, आरसी तिवारी सर की भी बुक आती है इसको भी आप वहाँ से ले सकते हैं, ये आपको मिल जाएगा उसमें। एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में तो एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में आप ले सकते हैं एसडी मौर्य की भी आती है, या एसडी मौर्य का जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी है वो आपका एग्रीकल्चर ज्योग्राफी को पूरा कर देगा, सब सिलेबस वहाँ पे मिल जाएगा, इकोनॉमिक ज्योग्राफी मिल जाएगा उसी में। इंडस्ट्रियल भी काफ़ी चीज़ें वहाँ पे आपको मिल जाएगा, या इंडस्ट्रियल के लिए आप अलग से बुक ले लीजिए। यहाँ पर देखिए हूबर स्मिथ और ये थ्योरी वहाँ पर दिया गया है, तो इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी के लिए अलग से बुक की आवश्यकता नहीं, वही बुक में आपको मिल जाएगा एसडी मौर्य की। ज्योग्राफी ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो ज्योग्राफी ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है
ट्रांसपोर्ट नेटवर्क मॉडल, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, एसेसिबिलिटी, कनेक्टिविटी। अब देखिए कनेक्टिविटी, ये सभी इसके लिए कोई विशेष बुक आपका प्रॉपर में नहीं आता है ज्योग्राफी ऑफ ट्रांसपोर्ट की, तो इंडस्ट्रियल जो ज्योग्राफी है एसडी मौर्या की उसमें ये चीज़ें दिया गया है ये कॉन्सेप्ट। पॉलिटिकल ज्योग्राफी, तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी आप आरडी दीक्षित का ले लीजिए या सक्सेना का ले लीजिए या सुदीप्ता अधिकारी का ले लीजिए। सोशल ज्योग्राफी एंड कल्चरल आप दोनों मिला के एसडी मौर्या की आती है। स्टैटिस्टिकल मेथड में वही चीज़ें, प्रैक्टिकल को आप फॉलो करिए, प्रैक्टिकल की बुक ले लीजिए शर्मा सर की या फिर आप ले लीजिए सुधाकर त्रिपाठी की ले लीजिए। एनसीईआरटी में भी बुकें आती हैं इसके लिए। यहाँ पर देखिए दिया है कि रैंक स्कोर, वेट स्कोर, ये सभी आपको पढ़ना पड़ेगा, यानी पूरा आपका स्टैटिक्स है। या तो आप प्रैक्टिकल को ले लीजिए या स्टैटिक्स की कोई बुक ले लीजिए, वहाँ पर आपको ये चीज़ें मिल जाएगा। क्लियर हुआ इतना? तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि आरपीएससी की यदि आप तैयारी करेंगे तो कितनी बुकों की आवश्यकता पड़ेगी। तो टोटल यदि आप सभी बुक्स को लेंगे तो लगभग मान लीजिए यहाँ पे आपके पास 10 यूनिट हो गए, एक बुक का 500 के आसपास है कम से कम, ठीक। तो ये आपका 5000 रुपये हो गए केवल ज्योग्राफी के बुक, लेकिन ये बुक आपका हमेशा के लिए रहेगा आपके पास। उसके बाद आप लेंगे राजस्थान का तो ये भी लगभग जो है आपका 1000 रुपये तक का पड़े, यानी 6 से 7 हज़ार रुपये आपके बुक्स में लगेंगे। यदि आप कोर्स ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे आपको इससे कम फीस में ही आपका पूरा आरपीएससी का और नेट का दोनों का एक साथ सिलेबस वहाँ पे करा दिया जाएगा, ठीक। तो प्रीवियस ईयर आरपीएससी का आप ले लेंगे तो इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, तो जो भी टॉपिक हमने आपको दिखाया था तो वो बता दिया। अब आपको हम ले चलते हैं कि किस रणनीति को फॉलो किया जाए। तो यहाँ पे देखिए हमने टोटल ये बात कर लिया, अब आते हैं परीक्षा पास करने की रणनीति। तो रणनीति यही है कि आपने सब कुछ देख लिया है, अब आपको क्या करना है कि टॉपिक वाइज पढ़िए। जो टॉपिक जैसे जियो मॉर्फोलॉजी का आपने क्लियर किया तो जियो मॉर्फोलॉजी की थ्योरी पढ़िए, थ्योरी के बाद आपको जियो मॉर्फोलॉजी के जो उस पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं उसको अटेम्प्ट करिए। साथ ही जो क्वेश्चन बनने वाले हैं उसको भी आप कोशिश कीजिए कि किस टाइप के बन सकते हैं, प्रैक्टिस इस पर ज़्यादा कीजिए। उसके बाद आप जितने टॉपिक हैं टॉपिक टू टॉपिक आपने पढ़ लिया, फिर टॉपिक टॉपिक पढ़ने के बाद एक बार उसको समराइज करके उसका शॉर्ट नोट्स तैयार कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक होगा तब आप इसको आसानी से समराइज करके पूरा दोबारा से आप पढ़ सकते हैं, और इससे बेहतर कोई भी स्ट्रेटजी आपके पास नहीं हो सकती है। क्योंकि बहुत शॉर्टकट में आप पढ़ेंगे तो वो चीज़ें कन्फ्यूज करती हैं, और यदि मान लीजिए आपने पूरा सिलेबस एक बार पढ़ा होगा फिर भी आपको यह आवश्यकता है सिलेबस को थोड़ा डीप पढ़ने की, क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं जो आपको केवल प्रश्नों के प्रैक्टिस से ही वो सही हो सकते हैं, उसको आप थ्योरी से नहीं सही कर सकते, ठीक। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो में कमेंट में बताइएगा।